आज हमने हमारे जितने भी मंडलम अध्यक्ष हैं उनकी बैठक बुलाई थी। आज विधानसभा 4, 5 और 6 की बैठक थी। कल हमने 1, 2, 3 की बैठक बुला चुके हैं। हमारे जितने मंडलम अध्यक्ष हैं जो वार्डों में के अध्यक्ष बने हुए हैं उनके हमने आने वाले चुनाव, उपचुनाव और आने वाले नगर निगम चुनाव के संदर्भ में रणनीति तैयार की गई। उनसे विचार विमर्श किया गया, 1-to-1 उनसे बात करके हमने आगे के भविष्य के रणनीति के तैयार किया गया। हम निश्चित है कि इस बार उपचुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो प्लानिंग है हम वो डोर टू डोर की प्लानिंग है। एक एक घर हमारे कांग्रेस का वर्कर पहुँचे, जनता के बीच में पहुँचे और जो 15 साल शिवराज सिंह चौहान और 1.5 साल जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया वो जनता के बीच में बताएं, और दूसरा ये बताएं कि एक एक गद्दारों ने आपका वोट भूचा है। 50 करोड़ में आपका वोट बिक चुका है, अब दोबारा आप अगर इसको वोट दोगे तो 100 करोड़ में बिक जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातों को लेकर हमारे मंडलम अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष जनता के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, कलेक्टर इंदौर, कमिश्नर इंदौर, संभागायुक्त महोदय, इन सबको हमने मेल किया और साथ में कलेक्टर और कमिश्नर को हमने हार्ड कॉपी भी भेजी। हमने मांग करी कि इंदौर शहर की जो आम जनता, गरीब जनता की जो समस्या को लेकर एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू आदि के नेतृत्व में मिलना चाहता है, किंतु अभी तक हमारे पास कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, अभी तक हमें कोई समय नहीं मिला। अब अगर हमको शाम तक उनको समय नहीं मिलता है, हम आज रात को आपस में चर्चा करके हम कल की रणनीति तैयार करेंगे। हमें कल क्या करना है वो कल अब आपके सामने आएंगे।